देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे ये सबसे बड़ा गर्व है कि नए साल के दिन लखनऊ में हमारे जो मिस मौर्य परिषद का प्रथम जो हम लोगों ने संघर्ष करने का प्रथम जो मीटिंग सम्मेलन लखनऊ में नए साल के दिन, और ये हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। और इस संगठन के माध्यम से जो हमारे समाज का शोषण हो रहा है, जो पिछड़े जातियों का, मौर्य समाज का और प्रजापति गौर हो गए शोषण हो रहा है, इस शोषण को रोकने के लिए ये हमारा संगठन बनाया गया और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। और क्या क्या काम करेगा आपका संगठन? ये हमारा संगठन जैसे जो शिक्षा वर्ग में और जो गरीब लोग असहाय लोग जो परेशान है जिसका इलाज ही हो रहा है और जो गरीबों का फसल हो रहा है उसके लिए हमारे अंदर काम करेंगे। जी आपके जो संगठन के पिछले वर्ग के किसान लोग हैं उनके बारे में क्या विचार रखा है? इसलिए हमारा संगठन के लिए पिछले वर्ग किसान का नहीं हमारा संगठन का बचा और हम इस संगठन से जो आज भी हमारे जो कि गरीब पिछड़ों का कोई भी सरकार आज भी जो कि शोषण नहीं पाई, आज भी शोषण बढ़ता जा रहा है। जैसे मौर्या हो गए, राजभर हो गए, गौर हो गए, प्रजापति हो गए, इनको आज भी सताया जा रहा है, इनको जमीनों पर आज भी कब्जा किया जा रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि और सरकारों में जो दुर्नियाम किया जाता है इसमें जो कि अंतर किया। मैडम आप अपना परिचय दें। क्या कहना चाहेंगे अपने संगठन के बारे में? जी सर, मैं मौर्य परिषद से जुड़ी हूँ, महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने का काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी।